15 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया 6 साल के बच्चे का अपहरण, 3 आरोपी गिरफ्तार। शनिवार को दामोदर पुत्र रामजी लाल यादव उम्र 40 साल निवासी भावखेड़ी ने थाने की ओर शिकायत की कि मेरे भतीजे नरेंद्र यादव का लड़का उम्र 6 साल निवासी भावखेड़ी का अपहरण किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दिन में 3 बजे कर लिया गया और कहीं कोई पता नहीं चला। तब पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना में लिया। फरियादी दामोदर ने बताया कि मेरे पास फोन आया और बोल रहा था कि मेरे पास बच्चा हरिओम मेरे पास है, पैसे तैयार रखना, ज्यादा होशियारी नहीं करना। इसके बाद अपना फोन बंद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने संपूर्ण क्षेत्र में नाकेबंदी की और सभी अधिकारी व आसपास के थाना प्रभारी की एडी टीम साइबर टीम मौके पर आ गए। सभी लोगों ने मिलकर घेराबंदी की तो घबराकर आरोपियों ने बच्चे को गांव के ही रोड पर छोड़ दिया। बच्चे के दस्तियाबी के बाद पूछताछ की गई तो उसने गांव के एक व्यक्ति का नाम बताया, जिसको गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने और गांव के ही एक मित्र ने 2 माह पूर्व बच्चे को अगवा कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बनाई, लेकिन बच्चे को अगवा करने का मौका शनिवार को मिल पाया क्योंकि अपहरण बच्चा अपने मित्र के साथ अक्सर खेलने आता था, जिसे हम लोग काफी दिनों से देख रहे थे। बच्चे को अगवा करने के बाद आरोपी ने उसे मार में स्थिति सरसों के खेत में रखा और आरोपियों ने बच्चे को परिजन को फोन करने एक फर्जी सिम की व्यवस्था की। हालांकि इस अपहरण कांड में आरोपियों के अलावा एक और आरोपी सम्मिलित था, जो गांव में रहकर गांव में होने वाली हरकत की सूचना मोबाइल के द्वारा इन तक पहुंचा रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपका कौन था जो बच्चा अपहरण हुआ था? जिसका बेटा था मेरा। बेटा था, कैसे, क्या घटनाक्रम रहा? सर हमें पता ही नहीं था क्या घटनाक्रम, क्या कौन आया अज्ञात नंबर से, तो उन्होंने पैसे की डिमांड करी। कितने पैसे मांगे? कितने पैसे मांगे? तो कोई बताया नहीं, उन्होंने फोन काट दिया। फोन काट दिया, फिर फोन नहीं लगा, फिर गांव में इधर उधर तेज धाक के फिर हम थाने पर पहुंचे। फिर थाने पर रिपोर्ट गुमशुदा की डाली साहब, हाँ उसके बाद कोई हाथ नहीं हुई, विचार दे कोई करवाया हो, फिर एस पी साहब नहीं वहाँ तो कैसे का बच्चा दिलवाओ, पुलिस की मदद से बच्चा आपका, पुलिस की मदद, एस पी साहब की मदद से बच्चा मिल गया। कि 25 दिसंबर को शाम के समय पे एक सूचना सिरसों थाने में आई थी कि 6 साल का बच्चा जो है वो गांव भाई भावखेड़ी का, वो वहां से कोई उठा के ले गया है और एक फ़ोन किया गया है कि आप पैसे तैयार रखो और कोई होशियारी मत दो। तो पुलिस को सूचना मिली तो ये सूचना पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उसको बाकायदा पूरे इलाके की नाकाबंदी करी गई थी और उसमें सारी टीमें लगाई गई थी, एडीओ साइबर टीम भी, इसमें हमारे एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया और एसडीओपी निरंजन सिंह राजपूत मुख्यतः उसमें पूरी टीमों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसमें पुलिस की जो घेराबंदी थी उसको उसकी वजह से और एक एक आदमी की जब गांव का मैं पता किया गया तो जो आरोपी उसी गांव के रहने वाले थे उन्होंने बच्चे को छोड़ के दिया और करीबन 8:30-9 बजे के आसपास बच्चा वापस घर पहुंच गया था। बच्चे से पूछताछ करने पर सारे पहचान करने के बाद में एक आरोपी के नाम का खुलासा हुआ और उससे जब पता किया गया तो हमको 3 आरोपी पकड़ने में सफलता मिली है। इसमें 2 आपस में भाई हैं और एक जो है दूसरे समाज का है। इसमें ये कहानी आई है कि जो व्यक्ति मेन आरोपी है वो दिमाग में काफ़ी दिन से उसके था कि ये काफ़ी 120 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन है इसके पास में और 15-20 लाख रुपये मिल जाएंगे, तो वो पिछले 2.5 महीने से तैयारी कर रहा था, एक फर्जी सिम लेके उसने एक्टिवेट किया था और सिर्फ इसी के लिए वेट कर रहा था वो। और जब ये अभी इसको जिस दिन मौका मिला तो सरसों का खेती थी उसमें, जिससे बच्चे को छुपाया था इसने, बच्चे को कुछ बिस्किट वगैरह मोबाइल वोबाइल दिखाते रहे और लगातार बच्चे को रखे रहे, इन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन जब इनको लगा कि ये सब लोगों की घेराबंदी हो रही है और शंका धीमे धीमे इन्हीं की तरफ जा रही है तो ये बच्चे को छोड़ गए। इनको तीनों को पकड़ने में और बच्चे को सुरक्षित करने में हमारे थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा सिरसोद और TI सतीश चौहान, अरविंद चौहान और थाना प्रभा सिरसोद की सारी टीम, हमारे SDOP साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। इनको 10,000 का इनाम इसके लिए दिया जाएगा और एक अच्छी सफलता। कितने रुपए की फिरौती मांगी गई थी सर? आरोपी के जो नाम है वो क्या थी सर? कितने रुपए की मांगी थी? नाम बताते नहीं, पता नहीं लगा कि उसको। हाँ, बच्चा चूंगी एक चुड़ी में वो इन्होंने जो बच्चे के साथ में गया था खेलने के लिए उसको भगा दिया था और उसको ये बोला कि ये बच्चा यहाँ ले आया, यहाँ पे लोबा मारते पीटते हैं, उठा ले जाते हैं और तुम यहाँ खेलो, तो उसको मोबाइल खेलता रहा और धीमे से थोड़ी देर बाद जो बच्चे को वो लड़का आदमी की आइडेंटिटी फाइट भी हो गया कि गांव के व्यक्ति है,
तो उस चक्कर में बच्चा बकायदा मोबाइल पे खेलता रहा, बीच में लोग बिस्किट वगैरह भी खिलाते रहे और आखिरी में बच्चे को इन्होंने जब इनको लगा कि अब इन्हीं के ऊपर टारगेट हो रहा है और ये पकड़े जाएंगे तो ये छोड़ के भाग। सर बच्चे के